जे कांग्रेस ने इन्ना इकट्ठ करना हो घट्टो घट 80,000 दी जलेबियां लगदियां, बाकी समान बाद च आउंदे ही नहीं उत्थे कोई। और इन्ने लीडर कांग्रेस ने अपनी स्टेज पर बिठाने हो, एक दूजे वाल मूंह नहीं होंदा, एक दा इधर होंदा एक दा इधर होंदा, आपदियां कुर्सियां पिछे लड़दे आ, असीं थोड़े बच्चा पिछे लड़दे आ, असीं स्कूल बना रहे हां, असीं हस्पताल बना रहे हां, असीं बिजली फ्री कर रहे हां, असीं थर्मल प्लांट खरीद रहे हां, असीं नहरां कढ रहे हां, असीं कस्सियां सूयां रजवाहियां च पाणी, एनओसी वाला जिहड़ा झगड़ा सी असीं लियांदा विधानसभा च, परसों कानून बन गया जी वो, क्योंकि मैनू इस गल का पता है। मैं मैनू इस गल का पता, मैं पिंडा चो आया होया, सारी जिंदगी की कमाई एक प्लाट खरीदन से लग जाती है, जा कहिंदे भी शहर च कर ले लिए, तो बाद च पता लगता है तो कलोनी इलीगल है, वह तो भज गया बंदा जिन्हें कलोनी कट्टी सी, ना रजिस्ट्री होवे, ना लोन मिले, ना सीवरेज, ना पण कित्थे जाणगे भी, कित्थे जाणगे भाई। इतों पहलां आलियां सरकारां कलोनिया नूं कट्टण वालियां दे हक च भुगतदियां सी, आ थोड़ी सरकार थोड़ा पुत कलोनिया दे विच जिहड़े 200-200 गज दे 150-150 गज दे प्लाट लई बैठे उहनां दे हक च भुगतिया, कानून बन गया। कोई एनओसी कोई अफसर थोड़े तो पैसे मंगे सानू दस्सो, पर थोड़े जिहा टाइम लग जांदा क्योंकि कानून पहला कैबिनेट जाऊगा, कैबिनेट फिर विधानसभा वास्ते रिकमेंड करूगी, विधानसभा जो पास होगा गवर्नर साहब को जाऊगा, गवर्नर साहब फिर साइन करनगे, फिर कानून बनता है। यह काम करदे आ तुसी, आए होंगे इधरले फगवाड़े वाले पास्यों आए होंगे, इधरों चब्बेवाल वाले पास्यों मालपुर वाले पास्यों आए, थोनू कोई ना कोई गड्डी SSF की टक्करी होनी, सड़क सुरक्षा फोर्स जिहड़ी आपां नवी बनाई है पुलिस, यह तो नहीं वादा किया असी, गरंटी तो नहीं दिती सी असी। जदों मैं डाटा पार्लीमेंट च, मैं जदों 2014 संगरूर तो चुनिया गया तो मैं 2016-17 च मैं डाटा उत्थे कढ़ाया कि पूरे देश च एक्सीडेंटां च मौतां किन्नियां होंदियां ने ते हरेक सूबे च किन्नियां होंदियां ने, नंबर वन पंजाब सीगा जी उस वेले। मैं अज तो 6 साल पहलां दी गल करां, 14 तो 15 मौतां ऑन द स्पॉट मौके ते, एक महीने दे हो गए 400 तो उपर, साल दे हो गए 5,000 तो उपर, 5,000 बंदा ही मर जांदा सी, कोई ध्यान नहीं दिंदा सी। मैं सोचा होया सी परमात्मा जिद्दे किते कलम देती, पहलां तां आ जिहड़ियां अणहोईयां मौतां ने जिन्हां नूं बचाया जा सकदा है, बाकी तां परमात्मा दे हत्थ है, कोई बीमारी ठमारी कोई किस्मत किसी ने कित्थे लैके जाना है, परमात्मा ने ओदे हाथ है, पर जो बचाया जा सकता वो तो कर दिए। आउण सार असी SSF बनाई, सब तो तकड़ियां गड्डियां उन्होंने दित्तियां ताकि कोई भूंग वाला ट्रक ट्राली जा कोई खराब होया वहीकल खड़ा है उहदे, आपां आम तौर ते खबरां पढ़ते होंदे सी ट्रक खराब होया खड़ा उहदे थल्ले कार वड़ गई, पता नहीं लग्या लाइटां सी लाइटां पै गईयां अखां च, सारा परिवार ही मारिया गया। हुण एक खबरां घट गईयां, 45% मौतां घट गईयां जी 6 महीनों च 45%। तुसी किते कोई तूड़ी वाली ट्राली जां कोई खराब ट्रक खड़ा देखिया, एक मिनट नहीं लाउंदे उहनूं परां कर दिंदे आ ताकि ट्रैफिक समूथ चले। ये साडा सरकारां दा फर्ज है, जान माल की राखी करना सरकारां दा फर्ज है। फिर बिजली ते आ जाने, गरीबां नूं बिजली, वो कहिंदे जी
आ फलाने कार्ड वालों बिजली फ्री, मैं क्या उन्होंने तो पहली 200 यूनिट है नाले कार्ड वालों के बेचारे के होंगे ही दो बल्ब है यार, 300 यूनिट फ्री करना सारियां कर दो, दो महीनों का बिल आता 600 यूनिट सारियां फ्री कर दो, बिजली अपने को हैगी है, आप बिजली पैदा करांगे, होर थर्मल प्लांट खरीद लिया गोइंदवाल साहब वाला 540 मेगावाट का, उसका नाम रखिया श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहब। दूजिया सरकार मैनू पूछी जांदी नाले तो बिजली फ्री दे जांदे हो नाले थर्मल प्लांट खरीदी जांदे हो, मैं कहा जी नीयत साफ होनी चाहिए है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। ए अरविंद केजरीवाल होर दी नीयत साफ है तो दिल्ली च स्कूल बन गए, मनीष सिसोदिया की नीयत साफ है तो दिल्ली के स्कूल के बच्चे बड़े बड़े टेस्ट पास कर लग गए, सतेंद्र जैन होर की नीयत साफ हस्पताल बन गए फ्री इलाज होंगे, आप भी महला क्लीनिक खोलते इतने, नीयत साफ हर वक्त ध्यान लोगों के काम च, पैसे पूसे कमाने वाला काम मैं छड्डी फिरदा जी, मैं 17.5 साल का सी जदों मैनू भगवंत मान बनाता सी लोगों ने 17.5 साल का, कुल्फी गर्मा गर्मा मिठिया मिर्चा होर पता नहीं कड़िया कड़िया कैसटा पता नहीं किन्निया बिकिया, और जिन्ने मैं चाहुंदा सी उन्ने पैसे लैंदा सी शोआं दे, फिर अचानक मेरे मन च आया कि भगवंत माना हासे भी उदों चंगे लगते ने जदों लोगों के चुल्हे च अग बलदी होवे, चुल्हे चो अग बुझदी होवे मैं कैसटा कढ़ी जावां गल बननी नहीं, तो मैनू इधरले पासे आउण दा मौका मिलिया और तुसी कमाल करती 92 सीटां देतीआं 117 चो, तो मेरा ना मैं ढाबिआं च हिस्सा पाउणा है, ना मैं रेते दीआं खड्डां च हिस्सा पाउणा है, ना मैं बसा च हिस्सा पाउणा है, मैं हिस्सा जरूर पाउणा है पर 3.5 करोड़ पंजाबियां दे दुखां सुखां च हिस्सा पाउणा, थोड़ा टाइम लग जाऊगा, 75 साल का ताना उलझा होया ठीक करने थोड़ा जा टाइम लग जाता, कोई जादू की छड़ी नहीं है पर टाइम लग जाता, तुसी ऐ करो बड़े सोहने बूट पाए भाई साहब ने, तुसी इन्ना बूटां दे फीते 2 दिन खोलियो ना, तीजे दिन जदों खोलोगे ना खोलना ही नहीं गंढ, फिर ये कोई सूआ जा कोई चमचे की डंडी फसाओगे फिर खुलूगा, वो 3 दिन पुरानी गंढ चमचे दी डंडियां ना खुलती है, मैनू 75 साल पुरानी गंढ फड़ा रखी है, तुसी टाइम तो लगेगा ना पर खोली जाने, तुसी ये देख लो कुदरत किन्नी बलवान है, हंकार नहीं करना चाहिदा, ओ जेड़े कहंदे सी राज करांगे 25 साल 4 बंदे नहीं लभ रहे वोटां लड़न लई, 4 बंदे जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे छड़ के मैदान भज गए, इत्थे अकाली दल दे भी थोड़े बहुत बैठे होने अपने कनी हो ही आ गए, वह भी कहंदे छड्डो परे हुण नबेड़ता कम चलो खत्म, ये कुदरत है जी कुदरत, मत्था किधर लाया अकाल तख्त साहिब, गुरु साहब की बाणी रोली, मैं कहता रहा मेरे 32 दंद ने गल्लां मेरिया कई बार सच्चिया हो जाए, मेरी मां मैनू कहती है बे बाला ना बोलिया कर बे तेरिया सच्चिया हो जाए ने, मैं कहता सी ओ जेड़े बाबे नानक दी तकड़ी कह के वोटां मंगदे रहे हो उसे बाबे नानक दी बाणी रोलती, थोड़ा कख नहीं रहना, आ देख लो हालत इन्हां दी, आ देख लो हालत इन्हां दी, बापू जी किकली नहीं पत्ते ने किकली नहीं पत्ते ने कानू सुन दो हुण कानू मुर्दे फरोलने हुण, कहंदे जी
ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਬਈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਰ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਅਰੋੜਾ ਐਡਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ 10 ਸਾਲ 14 ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, 24 ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਤੂੰ ਜੜੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। 17 ਚ ਆਪਣੇ 20 ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 12-13 ਰਹਿ ਗਏ। 22 ਚ 3 ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਲੈ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਬਦਲਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਚਾਰ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿੰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ। ਜਿੱਦੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਏ। ਲੋਕ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ NOC ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਗਿਆ, MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਾਲੇ ਅਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜਣਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ, ਓਨੇ ਚਿਰ ਚ ਉਹ ਦੌੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭੱਜ ਕੇ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਹੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਏ ਬਾਅਦ ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, 60 ਕਿਲੋ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ 60 ਕਿਲੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ ਉੱਥੇ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਬਈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ 80 ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਥੋੜੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲ ਮਰਨਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕਿਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫੇਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ।
के, 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 के रूल किने बनाया? कहने जी सेक्टरी लेवल पे बात हुई थी, सेक्टरी लेवल पे मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला किया गया है। मैं क्या कहते नक्का लेवल से मीटिंग हुई है? कहने ये क्या होता है सर नाका लेवल? मैं क्या नाका नहीं नक्का? कहने नहीं। मैं क्या नक्का होंदा जिथों क्यारे नू पानी मुड़दा उथे बह के गल कीती है कदे? कहंदे ना। मैं उथे चलांगे कदे? मैं क्या तुसी 8 घंटे क्यों दे रहे हो? तुसी आराम नाल 10-11 घंटे दो। सर ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं क्या तुसी 4 दिनां च किन्नी बिजली दिने हो 8-8 घंटिया की बारी करके? 32 घंटे। तुसी 3 दिन 11-11 घंटे दो किन्ने हो जाएंगे? 33 घंटे। 1 घंटा ही वध्या। मैं क्या कोई कमला नहीं हैगा किसान के बट्टा तोड़ दूंगा अपदिया? अभी बिजली हैगी है, चलो बट्टा उत्तों की चलन दो, बट्टा तो उसे पोचनिया पैणगियां। 8 नहीं तो 9 घंटिया बाद, 9 नहीं तो 10 घंटिया बाद बंद करूंगा मोटर वह भी, चल कल चला लाँगे यार, एकड़ा जाती है अगले दिन आके फिर चला लूगा। मैं क्या उदू बाद घटाने लगूगा? उदू बाद 3 दिन उन्हें पानी नहीं लाना जो भर गई, तो 6 दिनों किन्नी दिती? 33 घंटे। तो जे थोड़े वाले हिसाब ना चलीए सैकटरी लैवल की मीटिंग, तो 6 दिन किन्नी देनी पैंदी? 48 घंटे। 15 घंटे थोड़े बिजली बचूगी, ते नाले किसान कहूगा यार आम है बिजली आई किता? मैं कोई मेरे घरें कोई जनरेटर नहीं लगे भी मैं उतों छड़ती, वही बिजली है, वही खंबे ने, वही फ्यूज ने, वही ट्रांसफार्मर ने, वही जैम्पर ने, वर्तन का तरीका पता बस सन आप आ फर्क है। नाले थोनू सारे नू बहुत बहुत बधाइया। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह देखा गया, जोगी उत्तर पहाड़ों आया वोटां वाली गूंज सुन के। कल फिरदा सी हो किधर फिरदा सी हो? अज कहना मेरी कोई सुनता नहीं बीजेपी जो भरा, जदों तैं सुनाउणी सी उदों सुनी नहीं। तू मुख्यमंत्री सी उधरों किसानों का मोर्चा चलता सी, कदे गया मोदी कोले? एक दिन भी गया भी इन्हां नाल गल कर लो ना? हुण कहना मैं मंडिया च मैं आना, जेड़ा उठता भगवंत मान नूं गलां कढ़न लग जांदा है। तुसी गुस्सा ना करया करो, ये चढ़ाई दियां निशानियां होंदियां ने, नहीं तो अपना ना ही नहीं जानते सी है। अपना ना कितने जानते सी है? यही दो ही ना सी बस, बादल कैप्टन बादल कैप्टन। सो इस करके थोनू कहना आया कि चब्बे आल वाले हो तुसी, हुशियारपुर वाले हो तुसी, वह झंडा कड्डिया पार्लीमेंट च इस बार डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के रूप च, जिहड़ा तजर्बा है बोलन का तजर्बा है बंदा गूंजदा उत्थे आवाज उठती है। कम आपां ने करने ने